हेलो हेलो, आई होप रिकॉर्डिंग चालू हो गई होगी। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसा कि कंप्लीट किया था, आई थिंक लास्ट में एक हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था, राइट? और वो जो प्रॉब्लम था, आई होप कि एक रिफ्लेक्शन से हम लोगों ने किया था। हाँ ठीक है, तो वो प्रॉब्लम तक हम लोगों ने कर लिया था और कुछ होमवर्क भी मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशंस वगैरह दिए थे, राइट? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख रहे हैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट? तो लिख सकते हैं हेडिंग, हेडिंग इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन टू अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब कि एक लाइन दी हुई है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और हम लोग को उसके बाद परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है। जैसे मान लो इस तरह का कुछ सीन है कि देर इज दिस लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लाइन है, ठीक है? और हम लोग बोलेंगे देर इज अ पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस वाली लाइन पे, और ये डिस्टेंस डी निकालना है। तो हाउ कैन वी फाइंड दिस डिस्टेंस डी? तो लेने की पहले तो ये फार्मूला समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या है। फार्मूला इस तरीके से, डी इज मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, फॉर्मूला क्या है? डी इज मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। नहीं, और कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से क्लियर कैसे हुआ कि एक्स और वाई की जगह एक्स वन वाई वन, वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको अपन को डालना है, और साथ ही साथ एक्स का जो कॉफिशियंट है और वाई का जो कॉफिशियंट है उसका स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर रूट इससे डिवाइड करना है, राइट? ये आएगा कैसे उस पर बात कर सकते हैं, कैसे आएगा देखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए अपन सिंपल एक काम कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले बना लीजिए। करने के लिए और भी तरीके, अपन एक सिंपल सा तरीका देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हम लोग इसमें ये दोनों पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसमें वाई को जीरो कर दो, वाई को जीरो करोगे तो माइनस सी अपॉन ए कॉमा जीरो, और इसमें एक्स को अगर जीरो करते हो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस सी अपॉन बी। और मेरे ख्याल से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इस डिस्टेंस को हम डी बोल सकते हैं। और ये डिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं क्या कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, रूट ओवर ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट वी कैन राइट एज मॉड सी। सी स्क्वायर बाहर आएगा, रूट अंडर सी स्क्वायर मॉड सी, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम ले लो आप, और नीचे मॉड ए बी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग बोल रहे हैं हाफ बेस इनटू हाइट, बेस तो यही हो गया दोस्त, देख लो आप। तो बेस अगर यही हो गया तो दिस इज मॉड सी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन मॉड ए मॉड बी। हालांकि सब पॉजिटिव है तो इसमें एक्स्ट्रा मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं एरिया है तो दैट शुड बी व्हाट पॉजिटिव, तो मॉडुलस लग के ही सब कुछ आया है, ठीक है? इनटू डी, इनटू डी, सॉरी।
हाँ ले ले इंटू डी क्यों, क्योंकि ये तो बेस बेस लेंथ हो गया और इंटू हाइट इज गोइंग टू बी डी, डी जो माना हुआ है जो निकालना है हमें, समझ में आ गया। और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट से भी निकल जाएगा, बोलोगे डिटर्मिनेंट से कैसे निकल जाएगा, तो 0 0 1 एक पॉइंट, दूसरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपके पास माइनस सी अपॉन ए 0 1 और लास्ट क्या आ जाएगा 0 - c/b (n1) देख लीजिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये फाइनली इधर से आएगा, तो ये आप देख सकते हो कि जो हाफ है इसकी तो कटाई हो जाएगी, और ये सब जो भी है इसको भी अपन देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, मॉड सी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन मॉड ए मॉड बी, देखते हैं क्या होता है इन सब का, इंटू डी। इधर मैंने मॉडुलस नहीं लगाया हालांकि, बट अब मैं फाइनली इसमें सब में मॉडुलस लगा दूंगा, सही है क्या। अब बोलोगे कैसे मॉडुलस लगा दोगे, देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया लगता है यार, ये तो निकाल ही लिया ना अपन ने 0 0 और ये, x1 y1 नहीं, हम 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी निकाल रहे हैं थोड़ा लगता है गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ इन द सेंस ये हो गया है कि आप इसको 0 0 मत मानिए, एक्चुअली क्या है हमने 0 0 से ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश चालू कर दी। इसको x1 y1 मान लेते हैं यार अब, लेकिन तुम बोलोगे ये x एक्सिस y एक्सिस है, चलो फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूंगा, मुझे भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि x1 y1 आ नहीं रहा था एक्चुअली, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ, एक तरफ तो वही रहेगा दूसरी तरफ थोड़ा चेंज होगा, ये सब तो शायद सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो रहने देते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे इस तरीके से कुछ सीन होगा, फिर से एक बार बना देते हैं, ये सब वैसे ही रहेगा कि ये लाइन रहेगी और ये पॉइंट क्या हो जाएगा x + by + c = 0 है, तो हम लोग सकते हैं y को 0 करेंगे तो -c/a, 0 ये सब वैसे ही रहेगा बच्चों, और ये भी वही रहेगा 0 - c/b, ये लेंथ भी वैसे ही निकलेगा, बस हम एक कोई पॉइंट x1 y1 ले लें बस यहाँ से, और यहाँ से हम लोग बोल रहे थे क्या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है, 0 0 से नहीं निकालना था हमें, x1 y1 से निकालना था। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इनको ज्वाइन कर दीजिए तो एक ट्राइंगल बन गया, अब इसी ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात हो रही है, तो ये लेंथ तो अपन ने निकाल ही लिया था अभी, रूट अंडर जो ये आया, सॉरी ये वही लेंथ आया, नहीं अभी आप लोगों ने देखा है पूरा चीज़ समझ में आएगा, तो हाफ इंटू दिस तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट तो सब सही है, बस इधर क्या आएगा x1 y1 एक पॉइंट और आ जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा क्या पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं कहाँ गया ब्लू यार, तो x1 y1 और 1 आ गया, अब ठीक है, अब मॉडुलस लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इधर दोनों साइड मॉडुलस लगा के लिख लेते हैं, तो ले लें x1 के साथ क्या आएगा दोस्त, दिस इज़ अ 1 और -c/b, तो +c/b हो जाएगा, फिर ये -y1 के साथ क्या आएगा, -y1 के साथ आएगा मुझे लग रहा है ये हट जाएगा, और ये -c/a तो प्लस ही हो जाएगा मेरे ख्याल c/a, और फिर +1 के साथ क्या आएगा दोस्त, और c² / ab, ये आप चेक कर लो एक बार अच्छे से, ये आप एक बार चेक कर लो, मुझे तो लग रहा है ठीक है ये, ठीक है ना, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल एरिया, और हाफ तो काट ही दिया था हमने दोनों तरफ से, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मेरे ख्याल से अब ठीक हो गया, वो 0 0 से हमने एरिया निकाल दिया था, वो मतलब डिस्टेंस निकाल दिया था, तो मॉड सी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर एलसीएम लेंगे, और एक मॉड सी ऊपर से दिख रहा है क्या सबको बाहर आता हुआ, एक इंटू डी सॉरी, और एक मेरे ख्याल से सी, तो ये सी मॉड सी बाहर आ जाएगा, और जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम में तो मेरे ख्याल से मॉड ए बी आएगा, दैट इज़ मॉड ए इंटू मॉड बी, और सी निकल चुका है तो यहाँ पे बी है तो मॉड ए, तो मतलब अंदर तो ए ही था, तो ए एक्स वन अंदर ए ही था, बाहर निकलने के बाद मॉड ए हुआ, ठीक है ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मॉड ए मॉड बी गया और मॉड सी भी गया, तो डी इज़ गोइंग टू बी व्हाट, मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी
अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से ये सही है और इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स वन वाई वन से डिस्टेंस यही आएगा किसी लाइन का, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, लिख जरूर लीजिएगा, सही है क्या। जीरो जीरो से निकालते तो सिर्फ एक्स वन वाई वन हट जाता बस मॉड, तो वो देखोगे पुराने वाले में वो आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उसके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, दोनों लाइन पैरेलल है। एक लाइन की इक्वेशन है मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी लाइन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, और कोई बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ठीक है ना, तो इसका डिस्टेंस ऐसे लिखा जाता है कि उसको मैं फिर से डी रिप्रेजेंट करूं, तो मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू, प्रोवाइडेड जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है दोनों में सेम हो, और नहीं है तो उसको बनाइए और फिर ये फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाने से पहले क्या करना होगा, एक्स और वाई के जो कॉफिशेंट है दोनों में सेम कर दीजिएगा, तो मॉड सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई पूछ सकता है कैसे आएगा सर, काफ़ी सिंपल है यार, ठीक है ना। जैसे आप इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो एक्स वन वाई वन और यहाँ से दे परपेंडिकुलर इधर पे दे देते हैं, तो यही डिस्टेंस तो होगा। सोचो ना, एक्स वन वाई वन कोई ऊपर वाले पे ले लेते हैं एक पॉइंट और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, तो आप देखिए एक्स वन वाई वन तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना दोस्त। तो अगर x1 y1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो व्हाट यू विल गेट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ये तो हो गई लाइन की इक्वेशन, सही है क्या, सॉरी ये तो हो गया x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, अभी हमने फॉर्मूला देखा x1 y1 से इस लाइन का डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, कैसे बताया था कि x1 y1 यहां सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी टू C2 हो जाएगा, दूसरी लाइन से निकाल दें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहली चीज़ ये देख लीजिए यहाँ पे कि कॉफिशियंट ऑफ x और y दोनों लाइन में सेम बनाइएगा, तभी ये फार्मूला वर्क करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ भी ए बी था तो ऐसे लिखा जाएगा। अभी मैं इसको डायरेक्टली उठा के इसमें रखूँगा तो ये बनेगा, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज माइनस सी वन, तो यहाँ माइनस सी वन रखोगे तो दिस इज सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं तो अगर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी निकालना है तो इस तरीके से आप रख सकते हो, बस एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे हम लोग बोलेंगे इस तरह का कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि इनकी कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, लाइक इसकी दी हुई है वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, स्लोप सेम होगा इसका, तो वाई इक्वल टू एम वन एक्स, ये भी थ्योरी का पार्ट है, ठीक है ना, सी टू, ये दोनों ब्लू से लिख देते हैं, वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस डी वन एंड y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस डी टू। तो अगर कोई बोले कि ये चार लाइन से ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया, तो इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, मॉडुलस ऑफ, ध्यान से देख लीजिए, सी वन माइनस सी टू, ध्यान रखिएगा क्या याद रखिएगा, सी वन माइनस सी टू इन टू डी वन माइनस डी टू और अपॉन एम वन माइनस एम टू। फाइनली सबका मॉड लगा दिया तो कहीं प्लस माइनस अगर हो भी रहा होगा तो अल्टीमेटली सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी द फॉर्मूला विच विल बी यूज फॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है इसको लगाने से पहले ये जो लाइन्स हैं ये इस फॉर्म में आ जाएं, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी टू, वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस डी वन एंड वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस डी टू। कोई पूछे सर कैसे आएगा, तो काफ़ी सिंपल है बेटा, हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स तो देख ही लिया है वैसे तो। जैसे हम लोग मान ले लो कि ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, इसका लेंथ बोल दिया पी वन, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मान लीजिए कि इधर से हम लोगों ने एक और परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दिया, इसको मैं बोल रहा हूँ पी टू, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल अपन ने थीटा बोल दिया, इन दोनों के बीच का एंगल अपन ने क्या बोल दिया थीटा, तो व्हाट इज द एरिया,
एरिया इज मॉडुलस ऑफ पी वन पी टू अपॉन साइन थीटा. एरिया इज पी वन पी टू अपॉन साइन थीटा का क्या मॉडुलस. अब बोलोगे ये सब क्या क्या है सर, ऐसे कैसे आ गया. तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट सबको पता ही है मेरे ख्याल से. एरिया सॉरी बेस इंटू हाइट ये सबको पता है. तो ये जो बेस लेंथ है ये क्या है, इसके बराबर ही है. अगर ये थीटा है तो ये पाई में ये फिर से थीटा हो जाएगा. तो अगर कोई ये वाला लेंथ पूछे अगर ये पी टू है तो मुझे लग रहा है कि ये पी टू अपॉन साइन थीटा हो जाएगा. बोलो हाँ हो जाएगा ना. ये वाला यहाँ से ये जो ब्लू वाला है ना ये क्या हो जाएगा, सॉरी ब्लू वाला नहीं ऑरेंज वाला, ये जो ऑरेंज वाला है ये वाला, ये देख लो यहाँ से ये पी टू अपॉन साइन थीटा हो गया. तो बेस लेंथ तो पी टू अपॉन साइन थीटा हो गया और ये परपेंडिकुलर पी वन हो गया. तो व्हाट इज द एरिया, पी वन पी टू अपॉन साइन थीटा, वही बेस इंटू हाइट जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला वही लगाया. तो पी वन पी टू बेटा खट से निकल जाएगा ना. सोचिए ना कैसे निकालना है पी वन पी टू. पी वन पी टू तो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो अभी हमने बात की. तो देखना हम लोग पी वन कितना हो जाएगा, पी वन पी वन मेरे ख्याल से इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस है. एक वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, एक है वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी टू. तो दैट विल बिकम सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम वन स्क्वायर. आई होप इट इज़ करेक्ट. इनटू इसी तरीके से डी वन माइनस डी टू पी टू में अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम टू स्क्वायर. अब यहाँ एक चीज सुनना, नीचे साइन थीटा है तो ऊपर क्या होगा कॉसेक थीटा. नीचे साइन थीटा है ऊपर कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा है तो उसको हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, मॉड है बाहर, तो रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. रूट अंडर वन प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा. साइन थीटा नीचे ऊपर जाएगा बच्चों क्या होगा कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा को रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अभी जो कॉट स्क्वायर थीटा है वो तो मैंने थीटा इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल माना है. पी वन पी टू तो हो गया ना, ऑपोजिट जो पैरेलल साइड्स है उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, पैरेलल साइड्स के बीच. और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स, यही तो है. तो हाँ लल यहाँ कॉट थीटा रखेंगे तो भाई मेरे ये एम टू है स्लोप रखता है और ये एम वन स्लोप रखता है. तो टेन थीटा निकालना आसान है ना, एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू. तो ये तो टेन थीटा हो गया, ये क्या है रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो कॉट स्क्वायर थीटा में ऊपर कौन आएगा, वन अपॉन टेन थीटा का स्क्वायर लिख रहे हैं यार. तो ऊपर क्या आएगा, वन प्लस एम वन एम टू अपॉन एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर. मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी. नहीं अब जैसे ही आपको एलसीएम लोगे आपको सब दिख जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना. जैसे सी वन माइनस सी टू, थोड़ा भी कहीं कष्ट हो तो ज़रूर पेन चला लें, बहुत चीज़ों का हल मिल जाता है. अगर मतलब आईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर टाइम पास कर रहे हो तो ठीक है, करते रहो जो करना है. और इधर आएगा रूट अंडर वन प्लस एम टू स्क्वायर. अब जब इसका एलसीएम लेके ऊपर लिखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ देखना क्या हो जाएगा. नीचे तो आपको सबको समझ में आ गया ना कि एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर, तो मॉड में आएगा एम वन माइनस एम टू. पूरे पे मॉड है तो मैं दोबारे नहीं लगा रहा हूँ. अब ऊपर क्या आएगा रूट अंडर के अंदर देखो, एम वन माइनस एम टू का स्क्वायर प्लस वन प्लस एम वन एम टू का स्क्वायर, ये सब कटेगा. एम वन एम टू सब कटेगा, देखना मतलब एम वन माइनस एम टू को छोड़ के सब कटेगा. तो आप देखो सी वन माइनस सी टू इन टू डी वन माइनस डी टू, और अंडर रूट में जब आप पढ़ाई करोगे तो यहाँ देखोगे एम वन स्क्वायर आएगा, फिर एम टू स्क्वायर आएगा, माइनस टू एम वन एम टू आएगा, वो जाएगा आगे वाले से, और इधर वन प्लस एम वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर आएगा. देख लो एक बार ध्यान से, और इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करोगे रूट अंडर के अंदर. तो यहाँ देखना यहाँ भी वही चीज़ आ रही है, वन प्लस एम वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर. या तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता या इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. अब पड़ी ठंडक पड़ी, दिख रहा कटता हुआ नहीं, तो ले कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज द फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था. बट इस फॉर्मूले को लगाने से पहले क्या चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बदलना है लाइन्स को. तो आई होप लिख लिया होगा सबने, नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लीजिएगा. ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं. क्वेश्चन इज
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू ए कॉमा बी थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी एंड एनक्लोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल together with the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p find the area कीजिएगा ठीक है find the area कीजिए solve चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे सिखला रहा हूँ मतलब आप लोग तो सॉल्व कीजिए मैं किसी और को सिखला रहा हूँ तो दिस इज सम आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसको मैंने ए बी सी बोल दिया ये सब बराबर है ठीक है ना ये दोनों बराबर है ये 45 डिग्री है नो इश्यूज आइसोसेलेस है और राइट एंगल है ये 90 है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से जब आप इस परपेंडिकुलर गिराइएगा ठीक है तो हम लोग ये परपेंडिकुलर का लेंथ अगर हम पी बोलते हैं मान लीजिए देख लीजिए ध्यान से इस परपेंडिकुलर का लेंथ पी आइसोसेलेस है ये 45 है तो दोस्त ये भी पी हो जाएगा आप फील करो एक बार तो ये भी पी हो जाएगा तो ले व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू पी इंटू टू पी हाफ इंटू पी इंटू टू पी कितना हो गया पी स्क्वायर मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस बी सी समझ में आएगा तो वट इज द एरिया पी स्क्वायर ये अगर ऑल्टीट्यूड है तो एरिया क्या होगा पी स्क्वायर कब आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसे ही आप चाहें तो उसका भी निकाल सकते हैं क्या नाम से इक्विलेटरल का ठीक है तो अब बोल रहे हैं क्या कि थ्रू द पॉइंट पी ए कॉमा बी यहाँ पढ़ो सवाल पढ़ो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी ए कॉमा बी तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें तो अब मैं इस पॉइंट पी को कह देता हूँ ए कॉमा बी सही है और बोल रहा है क्या कि थ्रू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स आर ड्रॉन थ्रू एंड एनक्लोज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ एरिया दिस तो हम लोग क्या कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी ये हो गया अब कोई पूछ रहा है इसका एरिया तो अब आप जद्दोजहद करते रहिए परेशान होते रहिए आपके ऊपर है बाकी अगर आपको ये बात समझ में आती है कि अगर मैं इसको कुछ भी डिस्टेंस की बात करूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये निकाल देता हूँ तो इसके टर्म में इस पी और इस पी को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा ये पी प्रीवियस वाले में परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ठीक है ना तो इस पी और इस पी को अगर लेकर कन्फ्यूज हो रहे हो बेटा तो आपके पढ़ने का लेवल बहुत हाई है ठीक है ना फिर उसमें अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप देखिए यहाँ से ए कॉमा बी इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी का स्क्वायर है तो ए कॉमा बी इस लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या जी जी बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं कितना आएगा मॉडुलस ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा माइनस पी अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज वन तो इसका जो स्क्वायर होगा वही एक्चुअली क्या होगा एरिया तो कभी कभी इस तरह के सवाल आ जाते हैं अगर आपको ऑल्टीट्यूड के टर्म में एरिया पता है देन यू कैन क्रैक द सॉल्व क्वेश्चन और अदरवाइज यू कैन क्रैक योर सेल्फ बात समझ में आती है ठीक है ना तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जरूर निकाल लेना पी के टर्म में वहाँ 45 मत लगाना नहीं वहाँ 60 टाइप का बनेगा बाकी आपके ऊपर भी अगर बना के निकाल दो तो अलग बात है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे लिखिएगा इफ द स्ट्रेट लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू जीरो एंड एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी ऊपर लिख देता हूँ इन द स्ट्रेट लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू जीरो एंड एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी देख लेने एक बार
n close an angle of pi by 4 and the line x sin alpha minus y cos alpha equal to 0 and the line x sin alpha minus y cos alpha equal to 0 meets them, at the same point, find a square plus b square. चलिए देखते हैं क्या सवाल, आप लोग तो सॉल्व कर लीजिए. नहीं तो बोला है कि ये लाइन और ये लाइन enclose an angle of pi by 4. तो ये लाइन नॉर्मल फॉर्म वाली लाइन है, x cos alpha plus y sin alpha equal to p. और इसके बारे में मैंने बतलाया हुआ है कि यहाँ से ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, p. और शायद ये एंगल को अल्फ़ा कहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है. ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो मुझे नहीं पता. और एक है ax plus by plus p equal to 0. और बोला कि ये जो दो लाइन्स हैं, अच्छा एक और लाइन है, ये इस वाली लाइन पे मुझे लग रहा है परपेंडिकुलर है. देख लो आप, इसका इसका स्लोप है माइनस कॉट अल्फ़ा और इसका स्लोप है टेन अल्फ़ा. अच्छा तो एक्स साइन अल्फ़ा माइनस वाई कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली लाइन हो गई. दिस इज़ द लाइन एक्स साइन अल्फ़ा माइनस वाई कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो. अब इसमें मोड़ क्या है कि ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं इसके बारे में बोल रहा है क्या कि दे आर इनक्लोजिंग एन एंगल ऑफ पाई बाई 4. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके बीचों बीच ये 90 है, ये भी 90 होगा, तो इसको बीचों बीच में एक लाइन ले जाता हूँ. इसको मैं बोल देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो. जैसे ही देख ले रहे, बोल रहा है कि ये इसके साथ पाई बाई 4 बना रहा है, ये लाइन है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी. ठीक है, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है दोस्तों, 45 डिग्री. तो अगर ये 45 डिग्री और टोटल 90 था तो ये भी 45 हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है. चेक कर लो आप एक बार, क्या निकालना है, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालें तो उससे में आ जाएगा. ठीक है, तो हल लें क्या कि यहाँ से एक क्या करो ना, परपेंडिकुलर गिरा दो दोस्त. कौन से पेन से गिराएं, इससे गिरा दें. तो इससे अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा दें, ये देखना ध्यान से. तो मैं क्या कह रहा था कि अगर ये परपेंडिकुलर गिरा रहे हो और ये 45 है, देखना ध्यान से हैं, ये एंगल मैंने मार्क कर दिया फिर से तुम्हारी भलाई के लिए, ये 45 है. अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे देखो बढ़िया सा एक ट्राइंगल बन रहा है. फिर से मैं बना देता हूँ, ये देखना. ओह नो, ये देख लेना, ये ट्रायंगल एक बन रहा है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये 45 बन रहा है. तो मैं क्या कह रहा था साहब कि आप लगा दो साइन 45. ओके, तो साइन 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला. तो ये ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो भाई इसको रख देंगे. तो ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड, ये हो जाएगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, होल अपॉन, बोलो होल अपॉन हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, वो तो पी ही है. अब बोलोगे सर पी कैसे, ये नॉर्मल फॉर्म में लाइन है ना दोस्त, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस तो पी होगा. अब ये मेरे ख्याल से हो गया, ये दिस इज 1/√2 और ये पी नीचे है, तो ये पी और ये पी कट जाएगा, ये जंप करके ऊपर नहीं जाएगा भाई. दिस होल अपॉन पी था, तो ये पी कट जाएगा. तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 1/√ a2. अब ये 1/√2 कैसे आया, वो थोड़ा ट्रिकी है साइन 45 को सोचना. तो यहाँ से मुझे लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर. नहीं तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा, राइट. ठीक है मेरे ख्याल से, तो आज मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ.
ठीक है, तो यहाँ तक रख रहे हैं, और बाकी आप क्या कर सकते हैं कि कुछ होमवर्क कर लीजिए यहाँ तक का। ओके, तो डू योरसेल्फ वगैरह अपन ने लास्ट टाइम कुछ कुछ कर लिया था, और पता नहीं एक्सरसाइज वन में भी शायद कुछ सवाल दे दिया था, नहीं दिया था तो मैं, मुझे लग रहा है दे दिया था यार कुछ तो सवाल, याद नहीं आ रहा मुझे, बस देख लेना। अगर एक्सरसाइज वन में नहीं दिया हो तो आप लिख लेना दोबारे से, और दे दिया तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1-2 21, एक्सरसाइज वन में क्वेश्चन नंबर 1-2-21, एक तो ये कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1-2-7, तो ये पूरा होमवर्क कर लीजिएगा, और कुछ बैकलॉग्स वगैरह हैं तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, सी यू टिल देन।